कांग्रेस सरकार ने 2024 दीयां चोणां दे विच केंद्र दी सत्ता दे विच आउण दे वास्ते तैयारियां शुरू कर दित्तियां ने। कांग्रेस सरकार दे वल्लों राहुल गांधी नूं सर्वसंमति दे नाल बनाया जा रहा है हाई कमांड दा प्रधान। श्री राहुल गांधी जी नूं बेनती करदे हन कि ओह कांग्रेस पार्टी दा कौमी प्रधान बन के ते कांग्रेस पार्टी दी कमान संभालण। पर अजे तक भी राहुल गांधी ने प्रधानगी लैण लई स्वीकार नहीं कीते ने उते। TVNRI ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜੇ ਨੂੰ ਪਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2024 ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੇਗੀ ਉਹਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਜ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਜ ਹੋ ਜਾਈਏ। पर गल करते हैं कांग्रेस सरकार की, तो कांग्रेस सरकार के वलों भारत जोड़ो यात्रा आरंभ की गई है कि भारत नूं जोड़िया जाए। भारत नूं किवें जोड़िया जाएगा? कांग्रेस सरकार कहती है कि कांग्रेस का साथ दे दिओ तां भारत जुड़ जाएगा। हुण इहदे वास्ते प्रधानगी की चोण भी करन नूं तैयार है। कांग्रेस सरकार के वलों 17 अक्तूबर नूं चोण रखी गई है कि प्रधान की, कांग्रेस की प्रधानगी कौमी प्रधान कौन होवेगा उसकी चोण जिहड़ी है 17 अक्तूबर नूं करवाई जाएगी। पर उत्थे ही गल करदे आ दूसरे पक्ष की, तो 11 सूबे जिहड़े ने 11 सूबा इकाइयां ने मता पास कर दिता है, सर्वसांझा मता पास किया है कि राहुल गांधी नूं प्रधान बना दिता जाए। सर्वसंमति दे नाल सारियां वोटां जिहड़ियां ने राहुल गांधी दे झोली दे विच पा दित्तियां गईयां ने। तकरीबन 11 सूबिया ने यह मता सर्वसांझा पास कर दिता है कि राहुल गांधी नूं प्रधान बना दिता जाए। पर दूसरे पासे राहुल गांधी हुणा दा अजे तक कोई भी जवाब, कोई भी बयान जां कोई भी स्वीकार करन वाला इरादा सामने नहीं आया, क्योंकि जिस तरीके दे नाल सर्वसांझी दे नाल उन्हां दे उपर मता पास कर दिता गया है कि उन्हां नूं कौमी प्रधान बना दिता जाए, कांग्रेस हाई कमांड की वागडोर उह संभालण, तां इस तरीके दे नाल हुण तक तां राहुल गांधी हुणा नूं स्वीकार कर लेना चाहीदा सी, क्योंकि उन्हां दे पार्टी दे वर्कर, पार्टी दे आगू, नुमाइंदे यही गल कहिंदे ने। पर अजे तक भी राहुल गांधी हुणा ने उह चीज़ नूं स्वीकार नहीं कीता। आखिर किसकी वेट हो रही है जां फिर किस चीज़ की भाल की जा रही है? और दूसरे पासे जेकर गल करिए हुण कांग्रेस की प्रधानगी नूं लैके कौमी प्रधान कौन होवेगा, इस दे विच वी तुहाडी झात मरवावांगे कि कौन कौन इस दे दावेदार बन चुके ने, किन्हां दे नाम इस लिस्ट दे विच वध चढ़ के बोल रहे ने। तां सब तो पहला गल करदे आ राजस्थान दे CM अशोक गहलोत जी, उन्हां दा भी प्रधानगी वाली सूची दे विच नाम शामिल हो चुका है। और दूसरे पासे ही कांग्रेस दे सीनियर आगू अते MP जिहड़े ने शशि थरूर हुणा दा नाम भी इस सूची दे विच शामिल हो चुका है। हुण देखना यह होवेगा कि जेकर न्यौता स्वीकार नहीं किया जाता राहुल गांधी दे हुणा वल्लों, जिहड़े कि उन्हां नूं सर्वसांझा प्रधान चुनण दे वास्ते मता पास कर दिता गया है, वोटां पै गईयां ने, पर जेकर उह चीज़ स्वीकार नहीं की जाती, आ स्वीकार कर दी जाती है, तो फिर इस सूची दे विच अशोक गहलोत होणगे प्रधान जां फिर शशि थरूर होणगे। यह वेखना काफ़ी दिलचस्प है, क्योंकि एक पासे कांग्रेस पूरी कह लिए कि सूबे दीयां इकाइयां जिहड़ियां ने उह भी जोर लगा रही ने कि राहुल गांधी जी नूं कौमी प्रधान नियुक्त कर दिता जाए, पर दूसरे पासे जे उह अस्वीकार करदे ने तां वड्डे कारण रहणगे। अस्वीकार करन दे वड्डे कारण की है? ये तां भविख दे गर्भ दे विच है कि की कारण रहे होणगे, क्यों उन्हां दे वल्लों ये जिहड़े न्यौता दिता गया सी सर्वसांझी प्रधानगी उन्हां दे झोली पाउण दे विच गल कही गई है, उन्होंने क्यों स्वीकार नहीं की? ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਹ ਜਾਂਚਣਾ, ਇਹ ਭਾਖਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਔਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ
कि 17 अक्तूबर प्रधानगी की चोण होगी। जेकर राहुल गांधी हुणी सर्वसंमति दे नाल प्रधान नहीं बनते, वह ये न्यौता जिहड़ा स्वीकार नहीं करते, तो फिर 17 अक्तूबर का दिन जिहड़ा तय कर दिता गया कि इस दिन प्रधानगी लैके चोणा होणगियां, तो उस दिन चोणा करवाईआं जाणगियां, तो कांग्रेस नूं आउण वाला कौमी प्रधान मिल जाएगा। वो राहुल गांधी होंगे, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत होंगे, या फिर एमपी शशि थरूर होंगे। ये तो आने वाले समय के गर्भ के विच है, भविख के गर्भ के विच है, ये तो आने वाले समय के विच ही पता लगेगा। पर कांग्रेस के वलों अपना मंथन जिहड़ा अपना प्रस्ताव जिहड़ा है लोगों के विच पहुँचाउण की कोशिश की जा रही है। खेड कड़ी है 2024 दियां चोणा आउणगियां, चोणा जितनियां ने केंद्र की सत्ता के काबज होना है, यदि दौड़ जी है वह लगी हुई है। ये विशेष रिपोर्ट ताडे नाल सांझी करती है, आस करदा कि तुहानू सारयां नू पसंद आई होवेगी। लाहेवंद जानकारियां तुहाडे तक पहुंचियां होणगियां। जे चाहुंदे हो कि यह चीज़ अगे होर तक जाए तो इस खबर नू शेयर जरूर कर देना। सो इस तरीके जो भी कांग्रेस का अगला प्रतिक्रम होगा, आने वाले समय दियां जो भी स्थितियां उन्हां दे वल्लों कायम कीतियां जाणगियां, भविख नू मद्देनज़र रखते हुए जो भी गतिविधियां उन्हां दे वल्लों जिहड़ा पहरावा पहराया जाएगा उहदे विच उह की करनगे, की नवी रणनीति उन्होंने वालों बनाई जाएगी, इस उपर समय समय से झात थोड़ी जरूर मरवाते रहेंगे। इस तरीके मैनू दो इजाजत, धन्यवाद। 21 साल लखा लोगों का काम करने वाले तजुर्बेकार तंत्र मंत्र के सम्राट गुरु रविकांत शास्त्री सिर्फ 5 घंटिया घर बैठे हर समस्या का समाधान। हुणे फोन चको तो कॉल करो 9800 99 04 85। स्पैशलिस्ट वशीकरण, मुठीकरण, लव मैरिज अते लाटो लाटरी, हर पासों निराशों एक बार जरूर कॉल करो। लव मैरिज, घर कलेश, कारोबार, घर की शांति, नौकरी, सौतन दुश्मन तो छुटकारा, विदेश यात्रा च रुकावट, हर काम गरंटी नाल करांगे। सब तो पहला काम करन दा पक्का वादा, जद है समाधान ते फिर क्यों परेशान। घर बैठे शक्तियां द्वारा हर समस्या का समाधान 101% गरंटेड करवाओ।